पंजाब में अब किसान बागवानी यानी कि ऑर्गेनिक फल सब्जियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह पानी की कमी है, क्योंकि चावल की खेती में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और बठिंडा में अब किसानों ने बागवानी की तरफ अपना झुकाव दिखाना शुरू कर दिया है। अमरूद की ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों ने बताया कि 1.5 एकड़ ज़मीन पर वह अमरूद और 2 एकड़ ज़मीन पर ऑर्गेनिक तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक धान की खेती में पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जबकि धान पंजाब की फसल नहीं है और पंजाब के लोग चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन धान की खेती अधिक करने से वातावरण और यानी कि पानी की खराबी भी बहुत हो रही है। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर भी पानी कम हो रहा है। और वहीं बागवानी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बठिंडा में ऑर्गेनिक फल सब्जियों के प्रति खेती करने का झुकाव बढ़ गया और सरकार भी बागवानी ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों को बढ़ाना चाहती है। हम यहाँ पे 1.5 किला में जो बाग है हमारा, ऑर्चर्ड है, जिसमें मेजर क्रॉप है जो अमरूद है गावा, और 80 से 90 प्लांट है जो है उसमें, मिक्स फ्रूट है जैसे आम है, माल्टी की 6-7 वैरायटी है हमारे पास, और उसके साथ हमारा इसके अलावा हमें 2 किले में हम गन्ना की खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, वो गुड़ तैयार करते हैं उससे हम, शक्कर और गुड़। और अच्छा, ये खेती ऑर्गेनिक है अमरूदों की? ये भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है ये। फ़र्क सर ऐसा है कि एक तो हम जो धान की खेती करते हैं इसमें पानी की कंजप्शन बहुत नहीं, कोई मुनाफा नहीं, कोई मुनाफा नहीं क्या जी, ये दूजी बनी जाके बचाँगे असी, असी बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलाव जिनी छेती वो छेती हो जाए उन्नी छेती ठीक है। असी खेती मतलब बिना पानी तो जी घट पानी लैन वाली फसल सानू कोई यह जो सरकार बीज दे तो असी वही चाहते करनी। जी सर, हुण लोगों का जिहड़ा मतलब ध्यान है वह ज़्यादातर जिहड़ा रवायती फसलों तो हट के बागवानी फसलों वाल आ रहे हैं, जिमें कि फलदार बूटे लगाना और सब्जियां की खेती करना, फुलां की काश्त भी इत्थे लोग बहुत।